हेलो गाइस, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज एक दो नहीं मैं चार चार ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जी हां, जैसे एप्लीकेशन का मैं बारे में बताने वाला हूं वो आपके लिए हो सके बहुत यूज़फुल होगा। इसमें से टॉपिक में बता दे रहा हूं, अगर यदि आप इस टाइप के काम अगर यदि करते हैं तो ही ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। जो सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं बताऊँगा वो म्यूज़िक से रिलेटेड बताऊँगा। जी हाँ गाइस, आप अगर यदि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर है और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं और अपने हेडफोन का या फिर होम थिएटर का यूज़ करते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए, वो भी अपने स्मार्टफोन से, तो फिर ये वीडियो देखिए। इसमें एक म्यूज़िक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी सेटिंग्स दी हुई है जो मैंने आज तक किसी भी अदर म्यूज़िक एप्लीकेशन में नहीं देखी है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करूंगा, दूसरी एप्लीकेशन ये है कि आप अगर यदि अपना डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से, जी आप अपना जो फ़ोन में मीडिया होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ होते हैं या फिर एप्लीकेशन होता है, उसको बहुत ही सीक्रेटली अगर यदि सिक्योर रखना चाहते हैं तो फिर उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। और अगली एप्लीकेशन जो बताऊंगा उसमें आप अगर यदि व्हाट्सएप का यूज़ कॉलिंग में ज़्यादा करते हैं, जी हाँ जो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं उसमें वॉइस कॉल ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड एक एप्लीकेशन के बारे में। और गाइस, चौथी एप्लीकेशन ये है कि चौथी एप्लीकेशन आप अगर यदि अपने स्क्रीन लॉक, जी हाँ फ़ोन को सिक्योर रखना चाहते हैं और लॉक को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप यदि किसी को अपना पासवर्ड बता देते हैं तो वो गेस करके भी खोल सकता है या फिर कहीं किसी के सामने आप अगर यदि पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो देख के भी वो बता सकता है। बट ऐसी में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा कि जो हर लॉक, जब भी आप एक बार अपना लॉक को ओपन करते हैं उसके बाद फिर से लॉक होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। जी हाँ गाइज, ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। और ये सारे के सारे एप्लीकेशन फ्री है और सारे के सारे ऐप स्टोर में मिल जाएगी और फिर आपको गूगल के प्ले स्टोर में भी मिल जाएंगे। आप कोई सा भी iOS यूज़ करते हैं उसके iOS यूज़ करते हैं या फिर Android यूज़ करते हैं, दोनों में अब ये काम करता है। और आइए मैं इसको एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ, और वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर यदि सारे एप्लीकेशन आप पहले से यूज़ करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं ये पहले से मुझे पता था और मैं ये यूज़ करता था, और नहीं तो फिर एक बार मैं ये एप्लीकेशन को यूज़ कर। जी हाँ गाइस, ये सारे एप्लीकेशन फ्री है इसलिए थोड़ी बहुत इसमें एड्स वगैरह दिखेगी, बट इसको एड्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट यूज़फुल बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस ऐप को बारे में जान लीजिए। अगर यदि हो सके आपके लिए यूज़फुल होगा, अगर यदि ये सारे आप काम करते हैं स्मार्टफोन के साथ और जो जो मैंने टॉपिक बताई उसी टॉपिक में आप यदि इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आइए मैं ऐप के बारे में बताता हूँ और डिटेल में इसको बताता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आइए मैं ऐप सेक्शन में लेकर चलता हूँ अपने फ़ोन स्क्रीन पर। ओके, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन स्क्रीन और ये है चारों ऐप है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं म्यूज़िक 3D की बात करता हूँ। तो म्यूज़िक 3D एप्लीकेशन जो एक म्यूज़िक एप्लीकेशन है, इसके डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में म्यूज़िक 3D लिख के सर्च करना पड़ेगा। इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा, इसके स्क्रीन शॉट्स वगैरह दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर आप 1 मिलियन प्लस इसमें डाउनलोड है ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है इसलिए ओपन आ रहा है। आप इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है, जैसे इसको ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा और जो भी आपका डाउनलोडेड म्यूज़िक है, जो भी आपका डाउनलोडेड म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा, और जो भी आपका स्मार्टफोन में डाउनलोड किया हुआ म्यूज़िक है सारा का सारा इसमें आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको सेटिंग्स में यहाँ पर प्ले करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग, इस तरह के सेटिंग्स मैंने आज तक कोई भी म्यूज़िक एप्लीकेशन में नहीं देखा है। ये एक काम और करता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी नॉर्मल म्यूज़िक है उसको 3D में कन्वर्ट करता है, जो भी उसका आउटपुट मिलता है आपको 3D में मिलता है। यहाँ से देखिए इस तरह से आप इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं, वर्चुअल 3D बना सकते हैं। इसके बाद 7.1 अगर यदि होम थिएटर यूज़ करते हैं तो उसके साथ अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद बूस्ट, जो वो बेस बूस्ट कर सकते हैं, ट्रैवल सेट कर सकते हैं। इस तरह का मैंने कोई भी म्यूज़िक एप्लीकेशन नहीं देखा। इस पर अपने अकॉर्डिंग आप फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर यदि ऑनलाइन म्यूज़िक सुनना है तो ये ऑनलाइन म्यूज़िक को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आप स्पॉटिफाई देख रहे हैं, यहाँ पर स्पॉटिफाई को सपोर्ट करता है। आप स्पॉटिफाई अगर यदि ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इसको ऑनलाइन म्यूज़िक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इस तरह की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, सारा कस्टमाइजेशन आपको 3D में 7.1 ऑलरेडी जो भी म्यूज़िक आपका है वो फुल आप 3D में सुन सकते हैं नॉर्मल म्यूज़िक को।
तो ये है एक म्यूज़िक एप्लीकेशन जो कि बहुत ही अच्छा है। जो ऐप है वो स्क्रीन लॉक से रिलेटेड है, जो कि आप अपना ऑलरेडी स्क्रीन लॉक ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट ये एक यूनिक तरह का लॉक है और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड ये लिख के सर्च करना पड़ेगा। देखिए, और ये कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस के साथ आएगा। और इसका देखिए यहाँ पर डाउनलोड्स वगैरह 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड किया, 4.3 का रेटिंग है। आप ऐसे ही इसको, मेरा ओपन आ रहा है, आप इंस्टॉल करके इसको जैसे ही ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। और ये थोड़ा फ्री ऐप है इसलिए थोड़ा इसमें आपको एड्स वगैरह मिलेगी, इसको परमिशन सारा देना है। परमिशन जैसे ही देना, इनेबल लॉक का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इनेबल लॉक कर देना है, यहाँ पर अलाउ कर देना। जैसे इसमें अलाउ कीजिएगा, सेटिंग्स से कुछ परमिशन मांगेगा आपको, क्योंकि ये फ्री ऐप है तो फ्री ऐप को आपको परमिशन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद कुछ बैक करना है, ये इसके बाद आपको इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आप एक आपको पैटर्न सेट करना है, यदि पासवर्ड किसी तरह से भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपको एक कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको सेलेक्ट करके दे देना है। जिसे मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, तो इस तरह से सेव हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली और एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इसको एक्टिवेट कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है वो आप देखिए। भैया इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। जैसे ये आप इसको, आप स्क्रीन को जैसे ही लॉक कीजिएगा, जैसे ये स्क्रीन लॉक हो गया और इसको चाहिए, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप जितना बार भी आपका जो टाइम होगा वही आपका पासवर्ड होगा। जितना बार भी लॉक कीजिएगा 0340 यही आपका पासवर्ड होगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पर थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ये प्रीव्यू आपका है। इस तरह से आपका जो भी देखिए 340 है अभी, तो 340 यही आपका पासवर्ड होगा। आपको टाइम को चेंज भी कर सकते हैं और अलग अलग सेटिंग्स बहुत सारे दिए हुए हैं डिटेल, आप कुछ भी जाके इसमें सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो बस आपको ये इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो भी आपका करंट टाइम होगा वही आपका पासवर्ड होगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका पासवर्ड है। जितना बार भी आप लॉक कीजिएगा और जितना बार भी लॉक करने के बाद ओपन कीजिएगा, वो जो भी आपका टाइम होगा करंट टाइम वही आपका पासवर्ड होगा। तो इस तरह से आप किसी को भी बिना बताए या फिर बता भी देते हैं किसी को पासवर्ड, तो भी आपको जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब भी आप इसको लॉक एक बार लॉक कर देंगे फिर आपका टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इस लॉक के साथ। ये पासवर्ड का यही काम होता है। तो ये बहुत यूनिक तरह का पासवर्ड है, मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक ऐप है और ये थोड़ा फ्री ऐप है इसलिए इसमें तो कुछ एड्स वगैरह आएंगी। अगर यदि आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो ऐड नहीं आएगी, बट ये भी फ्री में भी बहुत अच्छी खासी काम करता है। और इस तरह का बहुत सारे चेंजेस है, सेटिंग्स में जाके देख के आपको बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा एप्लीकेशन। ओके, तो गाइस तीसरी एप्लीकेशन जो है, आप व्हाट्सएप में ज़्यादा अगर यदि वॉइस कॉल करते हैं, जी हाँ, जो व्हाट्सएप में आप ज़्यादा वॉइस कॉल करते हैं तो उसको आपको जो नॉर्मल कॉल रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम था, आपको बहुत सारे इस फ़ोन में इसमें इनबिल्ट मिलता है, बहुत सारे एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप में अगर यदि वॉइस कॉल करते हैं तो उसका कोई अल्टरनेट नंबर नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें व्हाट्सएप के कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर यदि आप व्हाट्सएप में वॉइस कॉल ज़्यादा करते हैं और आप उसको डेटा को सेव कर रखना चाहते हैं और उसको जो रिकॉर्डिंग को सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको देखिए इसको भी अच्छी खासी रेटिंग मिली है और आप इसमें रिकॉर्ड व्हाट्सएप कॉल, बस ये लिख के सर्च करना पड़ेगा। इस तरह का एप्लीकेशन आएगा, इसको बस ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ गाइस, और कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी कॉल व्हाट्सएप में डिटेल में कॉल करेंगे यहाँ पर इनेबल कर देना है। और यहाँ पर इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स से आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बट इसमें जो भी आपको कॉल किया हुआ होगा, आप ऑलरेडी व्हाट्सएप में जो भी आप कॉल कीजिएगा इस तरह से उसका ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड होके यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप जो भी आप वॉइस कॉल में बात करते हैं किसी से भी आप व्हाट्सएप में, तो ये यहाँ पर जो ट्रोल, अभी मैंने किसी से बात नहीं किया इसलिए ब्लैंक आ रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा जिससे भी आप कॉल करेंगे डिटेल में, आप कितने देर बात करेंगे, किस कितना नंबर से बात करेंगे, सारा डिटेल आपका यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप का वॉइस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ओके। तो गाइस चौथा और आखिरी ऐप है जो आपका क्लॉक। जी हाँ, ये नॉर्मल क्लॉक की तरह दिखेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। इसका नॉर्मल क्लॉक की तरह ही दिखेगा ये। आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में आप फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह या फिर एप्लीकेशन वगैरह हाइड करके रख सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये प्ले स्टोर में क्लॉक लिख के सर्च करना पड़ेगा, क्लॉक द वर्ल्ड सिक्योर्ड फोटो एंड वीडियोस लॉकर। ऐसा करके इस तरह का कोई यूजर इंटरफेस आएगा आपका। तो इसमें भी अच्छी खासी 4.4 प्लस ही जो रेटिंग है इसका है। इसका तो सबसे पहले आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन दे के आप इसमें पासवर्ड किस तरह सेट कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पर 115 ये आपका पासवर्ड हो गया। जो बीच में जो आप को दिख रहा है ये आपका एंटर बटन होगी। जैसे एंटर कीजिएगा तो फिर से एक बार डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से इसको एंटर कीजिएगा। ये आपको ईमेल पूछेगा, क्योंकि आप बाय द वे किसी कारणवश आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ईमेल से रिकवर करके देगा। इसलिए मैं अपना जो ईमेल है मैं वो ईमेल दे रहा हूँ। तो इससे आप का होगा कि आप रिकवर कर सकते हैं आपका फ़ोटो, जो भी आप पासवर्ड किसी कारणवश भूल जाते हैं तो इससे रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आएगा आपका। तो नॉर्मल जैसे ही लॉक कीजिएगा आपका तो इस तरह से आएगा। इस तरह से आके आपको जो भी टाइम, करंट टाइम, जो भी कोई भी आपको ओपन करेगा, जैसे आप ये ऐप है ये आपको आप कोई भी ओपन करेगा तो उसको लगेगा कि ये एक क्लॉक ऐप है या फिर एप्लीकेशन ही नहीं, ये घड़ी है जो टाइम बताता है। बट इसका अंदर में सीक्रेटली ये लॉक किया हुआ रहता है। जिसे आप इसका जो सेंटर का बटन है, सेंटर बटन का प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इस तरह से आप जितना भी पासवर्ड दिए हुए हैं उस पासवर्ड में आपको लेना है और सेंटर में जो एंटर का बटन है वो क्लिक करना है। ये आपको सीक्रेटली यहाँ पर वीडियोज़, फाइल वगैरह जो भी आप सेव करके लॉक करके रखना चाहते हैं, यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करके आप जो भी कैमरा से फ़ोटो उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर कोई ऑडियो डाल सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई फ़ोटो जो ऑलरेडी गैलरी में है उसको यहाँ पर ला के सेव कर सकते हैं। इस तरह से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये क्लॉक के अंदर में ही आपका सारा इस तरह का डिटेल है और आपका जो भी सीक्रेट्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह है आप इस तरह से आप सेपरेटली सेव करके रख सकते हैं। किसी को फ़ोन दे भी देंगे तो वो फ़ोटो को कभी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जो कि आप इसमें आप सेव करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतरीन बहुत ही ऐप है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सीक्रेटली आप बहुत सारे डेटा को सिक्योर रख सकते हैं आप इस ऐप के थ्रू से। ओके, तो गाइज ये थी चारों एप्लीकेशन। इस चारों एप्लीकेशन को आप यूज़ कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाके इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और नहीं तो मैं सारे का चारों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बहुत ही यूज़फुल ऐप है, अगर आप यूज़ करके देखिए आपको हो सके तो फ़ायदा होगा। अगर यदि इससे रिलेटेड आप यदि कुछ भी एप्लीकेशन खोज रहे थे रिसेंट में, अगर यदि म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर वॉइस का जो व्हाट्सअप का वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड या फिर अपने स्क्रीन रिलेटेड, स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर है जो कि हम लॉक करके रखते हैं वो तो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, बट वो ऑलरेडी एक बार आप यदि लॉक करते थे तो उसमें उसी पासवर्ड को यूज़ करते हैं। बट जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया उस पासवर्ड के थ्रू से आप जितना बार आप अनलॉक करेंगे उतना बार आपका जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, जो कि आपको खुद से करना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद अपने आप चेंज होगा। तो ये भी एक यूनिक तरह का प्रोटेक्टर है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सअप का जो कॉल है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने डेटा वगैरह है, जो भी फाइल्स, वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह है, उसको ऐप वगैरह है उसको अच्छी तरह से लॉक कर सकते हैं, वो भी यूनिक तरीके से। जी हाँ, जो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इस तरह से लॉक करके रखे हैं। तो ये चारों एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है। आप चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ऐसे ही रिव्यूज़ वगैरह, छोटी छोटी एप्लीकेशन जो आपके लिए यूज़फुल होगा वो मैं आपको हमेशा बताते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।